ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਛੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਕਥ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕੋ ਸਮਰਥ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕੋ ਸਮਰਥ। ਛੰਤ ਜਿਉਂ ਜਾਣੋ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਕੇਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖੱਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦ ਭੁੱਲੀਏ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੁੱਲੀਏ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਕੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੇ ਊਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਥਾਰੋ ਕਾਡ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਨਿਰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੰਖ ਗੁਣ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ। ਛੰਤ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਥਾਉ ਕਾ ਪਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਜੋੜ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਈਏ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ। ਏਕਸ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਈਐ ਅਰਪ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ। ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਏ
बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाइए। सलोक रे मन ताको त्याई है, सब विद दाके हाथ, राम नाम धन संची है। नानक निवह साथ, छंत साथियड़ा प्रभ एक, दूसर नाहीं कोए। थान थनंतर आप, जल थल पूर सोए। जल थल महियल पूर रहा, सर्व दाता प्रभ तनी। गोपाल गोविंद अंत नाहीं, बेअंत गुण ताके क्या गनी। भज सरण स्वामी सुख है गामी, तिस बिना आन नाहीं कोए। बिनवंत नानक दया तारो, तिस प्राप्त नाम होए। सलोक चित जे चित विया, सो मैं पाया। नानक नाम ते आए, सुख सवाया। छंत अब मन छूट गया, साधु संग मिले। गुरमुख नाम लिया, ज्योति ज्योत रले। हर नाम सिमरत मिटे किल बिक, बुझी तृपत अघानिया। ग्रह भज लीने दया कीने, अपने कर मनिया। ले अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले। बिनवंत नानक दया तारी, मेल लीने एक पले। ग्रह भज लीने दया कीने, आपने कर मन्या। ले अंक लाए हार मिलाए,
जन्म मरना दुख दले। बिनवंत नानक दया तारी, मेल लीने एक पले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप जी वड्डे पागां वाले हो, जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमई बचन धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे दर तों अमृत वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने समुचे संसार ते मनुखता लई पातशाह ने सोहने सिंघासन ते सुभायमान प्रकाशवान हो के ए अमृतमई बचना दी दात जो समुची कायनात नू बख्शिश कीती है गुरु पातशाह जी ने, सो आप समूह साध संगत ने इना पावन बचना नू सरवण करके आनंद दी प्राप्ति कीती है। सो साध संगत जी, समा जाजत नहीं दे रहा कि आपां आज दे पावन मुखवाग दी विचार करिए, लेकिन फिर भी गुरु पातशाह जी ने जो आज दे पावन मुखवाग दियां पहलियां तुकां दे विच सानूं समझावना कीता है, सो आओ सारे आपो अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करिए ते उन्हां पहलियां तुकां नूं भाव पहले सलोक नूं विचारन दा जतन करिए, तां कि सतगुरु गुरु गरीब निवाज पातशाह साडे ते वी मेहर करन, साडे ते वी बख्शिश करन, किते इह साडा मन वी निम्रता दे विच आ जावे, क्योंकि पातशाह जी दे चरणां विच हर रोज़ आपां अरदास बेनती करदे हाँ, सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा ही अकाल पुरख आप वाहिगुरु जी, साडे ते वी इहो जी बख्शिश करो, इहो जी रहमत करो कि इह साडा मन वी नीवे वज भाव निवाणा हो जावे, क्योंकि ये दर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का इदां का पावन दर है। इत्थे तां निमाणियां नूं माण मिलदा है, नितानियां नूं ताण मिलदा है, नियोटियां नूं ओट मिलदी है, नियासरियां नूं आसरा मिलदा है। ये वह घर गुरु नानक का है जिस दर ते आ के कोई भी जीव भावें वह किसी भी दाती का क्यों ना होवे, सतसंग जो वह इस दर तो हमेशा खुशियां ही प्राप्त करता है, कदे भी निराशा प्राप्त नहीं होंगी। हाँ सतसंग जो कई बारी एक गल देखी गई है कि असी होमे दे विच आ के बहुत कुछ मंगते हाँ, गुरु ते परचा परचे भी पाते हाँ, लेकिन यह साड़ी मूर्खता है, ना तो धन ते ना माया ते ना धियां पुत्रां साडे नाल जाना, सिर्फ जे कोई जाण वाला है तो वह है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी आते जपया होया कीता होया सिमरन, बाकी तो सारा कुछ संसारक है। लेकिन सतसंग जो कुछ भी मंग लिए समा तो जरूर लग जाता है, देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं होंगी। सो अज दे ए पावन बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 704 ते सुभायमान हन। सो आओ सारे ही आपां सतसंगत जीओ सिर पहले सलोक दी विचार नाल सांझ करनी है, क्योंकि समा नूं देखदियां होइआं जिन्ना क समा मिलिआ है उसे समा दे विच आपां सारिआं ने समाप्ति करनी है। जैत सरी महला पंजवा, घर दूजा छंत
सतसंग जो राग जैत श्री दे विच पंचम गुरु नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्हां पावन श्लोकां नूं अते छंतां नूं कठियां करके रचदियां होइआं उचारण करदे हन। घर दूजा छंत भाव दूसरे घर दे विच गाउण दी सानूं इदादत कीती गई है। छंत इस दे विच छंत भी हन श्लोक भी हन, दोनों नूं गुरु पातशाह ने मिक्स भाव एक थां कर दिता है। जिवें पातशाह जी फरमान करदे ने भाई संत सरण जो जन परै सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बोहर बोहर अवतार। ओ मेरा मालक जेड़े उस मालक दे गुण गाउंदे हन किते गलती तो भी गलती दे विच साडे कोलों उहनां दे लई कोई बोल कबूल ना निकलण। क्यों? क्योंकि साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। असी सिर्फ दुआ असीस लैनी है गुरु पातशाह जी दी, अते जिहड़े गुरु दे चरणा दे भवरे बन चुके हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ओ मेरा मालक वाहिगुरु परमात्मा एक है, जे उस दी प्राप्ति करना चाहुंदा है ते गुरु दे शरण विच आ, पूरे गुरु दे चरणा विच आ के अरदास बेनती कर ताकि ओ मेरा मालक कृपा करे तेनू भी अपने चरणा नाल जोड़ लवे। ते आगे पातशाह जी फरमान करदे ने श्लोक, आपां ने इस पावन पहले श्लोक दी विचार करनी है। ऊचा आगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। सो सतसंग जो गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने ऊचा आगम अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वड्डे सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दे नाम दी मोहर ला के सानूं समझा रहे हन, हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हाँ, तू शरण आए दी रक्षा करन दी ताकत रखदा है ते तू ओ भी करदा है। हे सब तो ऊंचे, हे अपरंपार अपहुंच इन्हां इंद्रियां दे बस तों परां, हे बेअंत तू सब दा मालक है, तेरा स्वरूप बयान नहीं कीता जा सकदा अते। पातशाह जी ये भी फरमान करदे ने भाई उस मालक नूं जिहड़े सोचण कि असीं बयान कर सकते हाँ वह भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वह मालक दे गुण ते बेअंत हन। ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन ना जाए कथ। ते अगली पंक्ति समझाउंदी है, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। हे मेरे मालक तुसी ते अपने आप दे विच समरथ हो, सब कुछ करन योग हो, ते फिर कृपा मेरे ते भी करो, मेरा मन भी बार भटकदा पिया है। मेरे मन नूं दुनिया भी लालच लोभ मोह अहंकार चंगे लगदे हन, आप जी दा नाम चंगा नहीं लगदा। ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे आ, केते गुणो असंख अवगुण मेरे आ, असंख अवगुण खते फेरे नित प्रीत सद भुली है। मोए मगन विकराल माया तो प्रसादी भुली है, लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया, बिनवंत नानक दया धारो काड भवजल काड भवजल फेरिया। हे मेरे मालक कृपा कर तू सानू इस भवसागर तो अपना हाथ दे के कढ लै, अपने हाथ दे नाल साड़ी भी रख्या कर, सानू भी बचा लै, ता
कि साडा ये लोक ते परलोक दोने सुखी हो सकन। सो सतसंग जो अज दे पावन मुखवाग दियां विचारां करदियां बेअंत भुलां गलतियां हो गई होणगियां, गुरु अते गुरु दी संगत बख्शण योग है। सो बुलाओ फतेह, करो रसना नूं पवित्र, ते जे किसे माई भाई दा कोई चंगा सुझाव होवे जो दास नाल सांझ करने चाहुंदे होण, ते ये दास दा इंडिया दा नंबर है 8750103375। आप जी इस नंबर ते संपर्क कर सकते हो, जा चक दे टीवी दी वैबसाइट ते अपना सुझाव दे सकते हो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।